देखिए, 1 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक जो पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है, उस पर जो पंजीकरण के नाम पर जो वसूली की जा रही है, 220 रुपये ऑनलाइन पंजीकरण के नाम पर जो जजिया कर वसूल किया जा रहा है, उसको निःशुल्क बनाने की मांग को लेकर आज हम शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई के तमाम नेतागण आज यहाँ पर हम राजभवन पहुँचे हैं। जम्मू कश्मीर के मुखिया उपराज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा जी से गुहार लगा रहे हैं, जो अमरनाथ श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। देखिए, हम उस देश के अंदर रहते हैं जिस देश में धार्मिक यात्राओं पर सब्सिडी दी जाती थी, जिस देश के कई राज्यों के अंदर निःशुल्क धार्मिक यात्राओं का आयोजन किया जाता है, केंद्र के अंदर केंद्र सरकार जो है लगातार हिंदूवादी होने का दावा करती है, उसी केंद्र शासित के शासन के अधीन जम्मू कश्मीर जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पर जो है श्री पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा के नाम पर जो पंजीकरण के नाम पर जो जजिया वसूली हो रही है, उसको पूरी तरह से निःशुल्क बनाया जाना चाहिए। इसके साथ ही हमने 2 मांगे और रखी हैं माननीय उपराज्यपाल जी के समक्ष, कि जो सड़क मार्ग से यात्रा करने के लिए जो श्रद्धालु आते हैं या लंगर सेवा देने के लिए जो वाहन आते हैं, टेंट सेवा देने के लिए जो वाहन आते हैं, उनसे किसी तरह का टोल ना वसूल किया जाए। मंदिर परिसर के अंदर पवित्र गुफा के समीप जो मंदिर परिसर है, वहाँ पर जो टेंट लगाए जाते हैं वो सुरक्षित बनाए जाएँ और वहाँ पर टेंटों के अंदर निःशुल्क व्यवस्था की जाए। हम तमाम देश के तमाम हिंदू संगठनों से, धार्मिक संगठनों से हमारी अपील है कि शिवसेना की इस मुहिम के साथ जुड़ें और अपने अपने राज्य के अंदर इस पर आवाज़ बुलंद करें, ताकि सरकार धार्मिक यात्राओं को अब किसी तरह की वसूली ना कर सके।